हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी एडो केयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरवल एज सबसेट्स के बारे में। ठीक है, एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसे नंबर लाइन पर भी प्लॉट करेंगे। देखिए, पहला टाइप ऑफ इंटरवल आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, देखिए, सपोज आपके ए और बी दो रियल नंबर हैं, सच दैट ए जो है बी से छोटी है। ठीक है, दैट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ए से बड़ी है या उसके बराबर है और बी से छोटी है या उससे उसके बराबर है, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। और उसे डिनोट करते हैं ऐसे, देखिए ए बी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, अगर नंबर लाइन पर इसे हम प्लॉट करें, ठीक है, तो आपका ये नंबर लाइन हो गया। सपोज ये नंबर लाइन हमारे शो करते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए एक्स जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ठीक है, या उसके बराबर है। तो अगर हम पॉइंट शो करें, चलिए देखिए, सपोज ये आपके पॉइंट है, हम सॉलिड डॉट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इक्वल का भी साइन है, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो सॉलिड लाइन भी होगा, और अगर ये आपकी ए है और ये बी है, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए और ए से बी तक वेरी करेगा एक्स, तो ये पूरा रेड जो है, ठीक है, ये रेड मार्क जो है ये आपका शो कर रहा है इंटरवल। ठीक है, और इसे अगर हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी, ए बी, ठीक है, ऐसे हम शो करते हैं। और अगर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। ठीक, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल आपको देते हैं, सपोज माइनस वन टू टू, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है माइनस वन से बड़ा है या उसके बराबर है, बट टू से छोटा है या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, ये रियल नंबर सेट आपको आर हो जाएंगे, सच दैट एक्स जो है माइनस वन से बड़ा है और टू से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल आपका होता है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, देखिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ओपन इंटरवल जो होता है, सपोज ए और बी दो रियल नंबर्स हैं सच दैट ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स सेटिस्फाई जो भी करे आपको एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए बी और ये सिंबल। ठीक है, ये दोनों सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें इसे भी, देखे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और देखिए ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी, ए बी, यहां देखिए आपको हम हॉलो सर्कल इसलिए बनाए हैं क्योंकि ए और बी पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, मीन्स ए और बी के बराबर नहीं होगा, आइदर ए से बड़ा है और बी से छोटा होगा। ठीक है, ए से बड़ा तो ए से बड़ा आपको इधर जाएगा राइट साइड एंड बी से छोटा तो बी के लेफ्ट साइड, तो ये रेड पोर्शन जो है और सर्कल जो यहाँ है हॉलो होनी चाहिए आपके। ठीक है, तो ये आपको इंटरवल शो करेगा ए बी ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसे सेट के फॉर्म में हम कैसे शो कर सकते हैं, चलिए सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी हमारा जो है ए बी, ठीक है, ए बी ओपन इंटरवल है और इसे हम ऐसे भी शो करते हैं ए बी। ठीक है,
इसमें दोनों एंड पे ए नाइदर ए पे और नॉर बी पे दोनों पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। और इसे एज अ फॉर्म ऑफ सेट अगर हम लिखना चाहें तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ठीक है, एक एग्जांपल अगर ले लें, ठीक है, तो सपोज 1 और 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे, x is an element of real number such that x is greater than 1 but less than 3। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे आपके 1 और 3 के बीच में, इनफाइनाइट नंबर पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 1 से 3 के बीच में। तो ये आपको एक एग्जांपल हो गया ओपन इंटरवल का। नेक्स्ट टाइप आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्या होता है देखिए, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज ए और बी दो नंबर हैं सच दैट ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देखिए यहाँ क्या है, इक्वालिटी जो है आइदर ए बी पर होल्ड करेगा और ए पर होल्ड करेगा, इसलिए इसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोलते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन a लेस देन और इक्वल टू b, एंड दूसरा केस हो सकता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, और इसे हम बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, और इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। देखिए एक साइड ओपन है दूसरे साइड क्लोज है, और एक साइड क्लोज है दूसरे साइड ओपन है, ठीक है, और ये दूसरा सिंबल है। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखें क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, एक और बना लेते हैं क्योंकि एक साइड ओपन है दूसरा साइड क्लोज्ड है, और दूसरा केस भी हो सकता है बी पे ओपन ए पे क्लोज, ठीक है। अब देखिए नंबर हमें शो करना है, तो फर्स्ट केस है ए पर ओपन है, देखिए ठीक है, ए पर तो हम हॉलो सर्कल बनाएंगे ए के पास, ए पर ओपन है, और दूसरा क्या है बी पर क्लोज है, तो बी पर सॉलिड सर्कल, ठीक है, और ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, तो ये आपको शो कर रहा है ए बी, ठीक है। दूसरा केस आपका है एक्स पे जो है इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो ए सॉरी ए पर जो है इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो ए आप सॉलिड सर्कल बनाइए और बी जो है हॉलो सर्कल, ठीक है, और ये पूरी लाइन हो जाएगी। और ये वाला केस आपका है ए पर इक्वालिटी होल्ड करेगा और बी पर ओपन होगा, ठीक, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ सेट अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट केस लेते हैं, पहला ए बी, ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट x is greater than a less than equal to b, ठीक है। दूसरा केस होगा a पर क्लोज है b पर ओपन है, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x is an element of real number r such that x is greater than equal to a and less than b, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज टाइप, ठीक है। अब देखिए इंटरवल का जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें एक टर्म आता है लेंथ ऑफ इंटरवल। अब लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, देखिए द नंबर बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए को ही हम बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक है, तो ये सारे इंटरवल सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, आइदर सेमी ओपन हो सेमी क्लोज्ड हो ओपन हो या क्लोज्ड हो, तो सभी के लिए सेम फॉर्मूला होगा बी माइनस ए, तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, सपोज आपका 1 और 5 है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल, तो अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ आपका हो जाएगा बी मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर 5 माइनस 1 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम भी देखते हैं, क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में, राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ रियल नंबर आर एट इंटरवल, ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में हमें लिखना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, ठीक
ठीक है, तो एज अ इंटरवल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने पूरा डिस्कशन किया। देखिए, तो पहला केस जो है क्या है, 4 पर ओपन है और 6 पे क्लोज्ड है, ठीक है, तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड वाला केस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4, तो 4 पर ओपन है और 6 सॉरी -4 पर ओपन है, तो -4 ओपन होगा एंड 6 के पास क्लोज्ड है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ इंटरवल भी फाइंड करनी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल ये हो जाएगी क्या, बी माइनस ए मीन 6 माइनस ऑफ -4, तो 6 प्लस 4 ये हो जाएगी 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर और x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, ठीक है, दोनों देखिए ये ओपन वाली केस है, ओपन इंटरवल, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो देखिए -12 लोअर लिमिट और अपर लिमिट है -10, ठीक है। अब यहां भी हमें लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल अपर लिमिट तो -10 माइनस ऑफ -12, तो ये -10 प्लस 12 मीन्स 2 हो जाएगी आपके। थर्ड केस, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और यहां देखिए दोनों -3 पर भी इक्वेलिटी होल्ड कर रहा है और 4 पर भी इक्वेलिटी होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गए। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम क्लोज्ड केस में, -3, ठीक है, -3 और 4, तो -3 और ये 4 हो गए, ठीक है, दोनों पे क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल टू बी माइनस ए मीन्स 4 माइनस -3, तो 4 प्लस 3 ये 7 हो गया, तो 7 हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल हो। ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंटरवल्स के बारे में ऑफ एज सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।